ये बोगनवेलिया का प्लांट दोस्तों मैंने 7 डेज़ पहले लगाया। अभी 7 डेज़ कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, 15 फरवरी को लगाया है और आज है 21 फरवरी है। ये देखिए, और ये लग भी गया है, तो अभी इतनी जल्दी से तो फ्लावर नहीं आएगा। फ्लावर अभी जैसे जैसे गर्मी होगी तो आएगा। ये देखिए, तो इनकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो गई है। और इनको कैसे मैंने लगाया है उसका वो मैं आपको चलिए वीडियो में बता देती हूँ। इनकी पत्ती है, ये ड्राई है, सूखी है, इसमें शुगर और मिल्क नहीं है। ये है वर्मी कंपोस्ट और ये है खाद। ये है, इसमें जो है कंपोस्ट है ये देखिए, इतनी मैंने ले ली है। तो इसको मैं सब मिक्स करूँगी, इसको इसको मिक्स कर लेती हूँ इधर। और ये देखिए, ये है सीविड जाइम है, ये इतना ले रही हूँ, ऑर्गेनिक है ये। अब इसको सबको मिक्स करके अब इसको चलिए खोलते हैं। ये देखिए, ये इसको मैं निकालती हूँ, ये दोनों प्लांट को। ये मुझे पिंक दिख रहा है, ये वाला थोड़ा सा पिंक है और ये वाला शायद ऑरेंज है। दोनों को निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। अब इसकी मुझे सबकी मिट्टी हटानी है। मिट्टी जो है ना, जो रूट के पास मिट्टी है वो मुझे हटानी है। ये तो हटाने का सबसे अच्छा तरीका, ये तो वैसे अपने आप ही सूख गई थी बिल्कुल। ये देखिए, तो अपने आप हट गई। ये देखिए, तो अभी ये इतना भी जो है ना, इसको थोड़ा सा पानी में डाल दूंगी तो ये जॉइंट करने में, मर्ज कर इसको बांधने में मुझे आसानी रहेगी। और इसको भी, ये हाँ सूखी है, बहुत दिनों से पानी नहीं दिया था इसमें, इसलिए ये अपने आप हट जा रही है। और ये इस तरीके से जो ये घास फूस निकला है वो भी हमें हटाना होगा। ये देखिए, इसको इसको हटा लेती हूँ। ये देखिए, अब जो ये इतना बच रहा है ना, ये अब मैं ना इसको बांधूंगी, इसको नहीं बांधूंगी मैं, सिर्फ इसको स्टेम को बांधूंगी, इसको नहीं बांधूंगी। इसको ऐसे खोल छोड़ दे रही हूँ, बस इतना ऐसे ऐसे करके, और इसको ऐसे ही रहने दूंगी। ये बाद में मर्ज हो जाएंगी आपस में। और ये डोरी मैंने ये इस तरीके के लिए है, ये देखिए ऐसी वाली, ऐसे इसको बस ये आपस में ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे। इनकी जब ना रूट्स आपस में मर्ज होंगी ना, तो एक नया कलर होगा। मैं ग्राफ्टिंग तो मैंने नहीं की है, देखिए ग्राफ्ट जहाँ से मैंने प्लांट खरीदा है ना, गवर्नमेंट नर्सरी से इसको खरीदा था, काफ़ी मुझे चीप, बहुत ही सस्ता मिल गया था ये, तो वहाँ पर भी ग्राफ्टिंग से ही तैयार हुआ प्लांट है ये। तो इसको मैं लगाती हूँ और उसके बाद मैं तभी वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के साथ, इसकी इसको दिखाऊँगी जब ये सेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी इतनी जल्दी तो फूल आएगा नहीं, फ्लावर जो है ना थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से नहीं आएगा, लेकिन ये है कि सेट हो जाएगा ना, उसके बाद ही मैं फिर वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। और देखते हैं क्या कलर आता है इसमें कुछ दिन बाद। पिंक और ऑरेंज है ना ये दोनों, अब पता नहीं कौन सा आएगा कलर, कैसा बनेगा। और बहुत सही है ये, साइज़ इसका सही है, छोटे छोटे पॉट में भी बहुत आराम से ये लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने और भी पहले प्लांट छोटे छोटे से पॉट में बोगनवेलिया के लगाए, खूब अच्छी तरीके से अभी पानी दे रही हूँ, ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए तब तक देना है, उसके बाद बार बार इसमें पानी नहीं देना और ना मिट्टी इसमें। चलिए, मिलती हूँ मैं अपडेट के साथ। थैंक यू।